तो शुरू करते हैं आज का क्लास। आज के क्लास में हम लोग लिमिट पे कुछ क्वेश्चन सीखेंगे बनाना। देखो ऊपर में क्वेश्चन है 1, 2, 3, 4, चार क्वेश्चन दिए हुए हैं और चार क्वेश्चन पे डील करेंगे हम लोग। इसके पहले के क्लास में जो वीडियो अपलोड किया गया है उसमें कुछ क्वेश्चन बनाना सिखाए थे, उसी वे में जिस वे में हम क्वेश्चन को बनाना सिखाए थे उसी वे में हम लोग आज के क्वेश्चन को सीखेंगे। तो चलो शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, जो बच्चे नहीं बना पाए हैं, हालांकि जो लास्ट क्लास किए हैं उनसे ये क्वेश्चन बन जाएगा, जो लास्ट क्लास किए हैं उनसे ये क्वेश्चन बन जाएगा। हो सकता है क्वेश्चन 4 में कुछ प्रॉब्लम फील करें, और प्रॉब्लम ना भी फील करें तब भी सुनना कौन सा क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, क्योंकि यह 11th का लिमिट तो है ही, बट यह क्वेश्चन 12th का कंटिन्यूटी ऑन लिमिट से भी जुड़ा हुआ है। मतलब इसी क्वेश्चन को 12th में अगर पूछ दें कंटिन्यूटी ऑन लिमिट्स में तो कोई दिक्कत नहीं है, समझ रहे हो ना। बस क्या होगा वहाँ पे कंटिन्यूटी ऑन लिमिट्स में, ये इफ़ जो लिखा हुआ है इफ़ लिमिट एक्सटेंस टू 1 fx इज इक्वल टू f1, इसको हटा दिया जाएगा और इसके बदले में लिखा जाएगा इफ़ फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट द पॉइंट x इज इक्वल टू 1। बस अगर इसी क्वेश्चन को 12th का बनाना है तो डिटो सेम टू सेम छाप दिया जाएगा, प्रिंट कर दिया जाएगा, एक लाइन क्या ऐड किया जाएगा, इफ़ फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 1। अब फंक्शन कंटिन्यूअस है x इक्वल टू 1 पे, तो लास्ट क्लास में जो हम पढ़ाए थे तो जो तुम लोग देख लेना, तो लिमिट x अगर कोई फंक्शन इफ़ fx इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 1 तो उसका मतलब होता है लिमिट fx x टेंस टू 1 माइनस इज इक्वल टू लिमिट fx x टेंस टू 1 प्लस इक्वल टू f1। बस ये रिजल्ट है। अब ये रिजल्ट को समझाने के लिए हमको 2 क्लास लेना पड़ेगा। रिजल्ट समझाने में तो इतना ही समझ गए, रिजल्ट समझाने में तो समझ गए कि लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इक्वल टू f1। अब इसका यूज कर लो तो बन जाएगा ना सवाल, समझ रहे हो क्या। तो पढ़ा सकते हैं दो तरीके से कोई भी शिक्षक। एक तो बोले कि अच्छा एग्ज़ाम नवंबर में है, 2021 चल रहा है और अगस्त चल रहा है 2021 का अगस्त चल रहा है अभी, और एग्ज़ाम कब है, नवंबर या दिसंबर में है ना। तो एक तो है कि फास्ट तरीका से पढ़ा दिया जाए कि बाबू देखो ना यही होता है फंक्शन कंटिन्यूअस। कौन बच्चा बोलेगा कि आप गलती बोल रहे हैं, सही बोल रहे, गलत नहीं बोल रहे हैं, पर कौन बोलेगा आप थोड़ा सा बोले काम चला लिए, और यही बोल के तुरंत कहाँ पर आ सकते हैं क्वेश्चन पे और सब क्वेश्चन बन ही जाएगा। लेकिन ये कंटिन्यूअस कैसे होता है, कब कब होता है कंटिन्यूअस, क्या कंडीशन है कंटिन्यूअस नहीं होगा, डिसकंटिन्यूअस हो जाएगा, इसके लिए 2 क्लास लगेगा पढ़ाने में। तो ये बस अभी तो चूंकि हम 12th का पढ़ा नहीं रहे सॉरी अभी तो 11th का बात हो रहा है, तो इसमें क्या है कि कोई फंक्शन कंटिन्यूअस है अगर तो लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इक्वल टू f1 होता है। ये तुम लोग अभी 11th में पढ़ चुके हो कि अगर कोई फंक्शन x इज इक्वल टू वन पे अगर कोई फंक्शन का लिमिट एग्जिस्ट कर रहा है, इसका मतलब कि लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट एज x टेंस टू 1 पे, लेफ्ट से भी और राइट से भी, तो इन दोनों को अगर एक साथ लिखे कॉमन लिमिट, अगर लिमिट एग्जिस्ट कर रहा है किसी पॉइंट x इज इक्वल टू 1 पे तो कॉमन लिमिट को हम लोग ऐसे शो करते हैं, तो ये दोनों एक साथ मिल गया दैट इज इक्वल टू f1। इसका मतलब अगर कहीं लिखा हुआ है कि fx लिमिट fx x टेंस टू 1 इक्वल टू f1 दैट मीन्स फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 1। अब फंक्शन कंटिन्यूअस अभी तो पढ़ाएंगे नहीं कंटिन्यूटी, माना कि ये एक फंक्शन है y इक्वल टू fx और ये जो पॉइंट है x एक्सिस पर x इक्वल टू 1। कंटिन्यूअस कहने का मतलब कह रहा है कि अगर हम इसको अपने कलम से पेन से मार्कर से इसका फंक्शन का हम क्या ड्रा करें, ग्राफ प्लॉट करें, तो मेरे को अपना पेन लिफ्ट ना करना पड़े पेपर पर से, तो ऐसा बना तो इसको क्या बोलते हैं कंटिन्यूअस फंक्शन। ये हो गया, बस तुमको हम ज्योमेट्रिकली बता दिए कि अपना पेन यहाँ पे हम लोग का लिफ्ट ना करें यहाँ पे, ठीक है। लेकिन इसको मैथमेटिकली कहते हैं क्या कि अगर आप इस x इक्वल टू 1 पे लिमिट का कंटिन्यूटी इस फंक्शन का कंटिन्यूटी चेक कर रहे हैं, इसका मतलब फंक्शन वहाँ पे ब्रेक ना हो, ब्रेक होने का मतलब ऐसा ना हो, समझ में आ रहा बात कैसे था 2 पे x इक्वल टू 1 पे डिफाइन नहीं था फर्स्ट क्लास फर्स्ट वीडियो बात किया था ना, तो वैसा ना हो इसको ये लगातार ऐसे हो। तो ये कब चेक करते हैं फंक्शन कंटिन्यूअस, अगर कोई फंक्शन का लेफ्ट हैंड लिमिट 1 माइनस राइट हैंड लिमिट 1, लेफ्ट हैंड लिमिट एग्जिस्ट करे राइट हैंड लिमिट, और दोनों ही लिमिट लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों ही लिमिट, ये ऊपर से मान लीजिए L2 है, नीचे से क्या ये L1 है, अगर ये L1 है ये आपका और ये L2 है,
तो L1 जाए नीचे से यानी कि लेफ्ट से, L2 आए कहाँ आए, F1 को अप्रोच करे। कुछ शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं, आए जाए वो तुम लोग समझ रहे हो ना, पहले क्लास में हो चुका है, मैथमेटिकल वर्ड्स यूज कर चुके हैं। L1 approaches to F1 from the left and L2 approaches to F1 from the right। तो कहते हैं लिमिट एग्जिस्ट किया, दैट मीन्स L1 इक्वल टू L2, देन लिमिट एग्जिस्ट एट द पॉइंट x इज इक्वल टू 1, एंड इफ ऑल्सो F1 इज इक्वल टू L1 इक्वल टू L2, F1 जो कि 1 का इमेज है, अगर वह लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट के बराबर हो, देन वी कैन से, वी से श्योरली दैट फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट x इज इक्वल टू 1। ये मैथमेटिकली है, इस पर हम दो क्लास बात करेंगे, क्लास कंटिन्यूटी और लिमिट्स पर, ठीक है ना। लिमिट्स पे जितना बात की है उससे ज़्यादा बात कर सकते हैं, कंटिन्यूटी और लिमिट्स पे हम लोग करेंगे बात, उस टाइम आए तो 12th में बात करेंगे जब पढ़ाएंगे कंटिन्यूटी और लिमिट्स। आज के क्लास में हम सीखेंगे 1, 2, 3, 4 क्वेश्चन सबसे महत्वपूर्ण है इसमें, उस पर ये बात करेंगे। पहले 1, 2, 3 बनाना आ जाए, जो लोग यूट्यूब पर देख रहे हैं ध्यान से देखते रहिएगा, अभी सीख जाएंगे आप लोग। तो अभी हम 1 से बात करना शुरू करते हैं, देखना तुम लोग ध्यान से, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 कैसे बनाएंगे, बोला है कि सीख लो ठीक से, और क्यों सीख लो ठीक से, ये आर एस अग्रवाल का आखिरी एक्सरसाइज है, एनसीईआरटी में तो सब मिला के दिया हुआ है, आर डी शर्मा का ये फर्स्ट एक्सरसाइज है 11th का लिमिट का, ठीक है। लेकिन ये इसलिए सीख लो क्योंकि जब 12th का एग्ज़ाम दोगे कंटिन्यूटी ऑन लिमिट्स जो आएगा तो पूरा कंटिन्यूटी ऑन लिमिट्स यही है, मतलब कि 11th का जो लिमिट पढ़ोगे पूरा एक्सरसाइज जितना पढ़ोगे वो भी है यूज, वो कम यूज है। हालांकि यूज ऐसा नहीं कि बिल्कुल नहीं है, लेकिन बिल्कुल अगर, लेकिन फिर भी तुम ट्रिगोनोमेट्री तो पढ़े हो 11th का, जो बच्चे 11th का ट्रिगोनोमेट्री पढ़े हैं वह 12th का कंटिन्यूटी में बनाने में उनको हेल्प मिलेगा, और ये जो बना लेंगे उनको लिखने आ जाएगा, मतलब पैटर्न। लास्ट क्लास में पढ़ाए थे, 2-3 क्वेश्चन किए थे हम लोग, बताए थे क्या कि पैटर्न याद कर लो, वो पैटर्न तुम लोग याद कर लिए हो, जो लोग देख रहे हैं यूट्यूब पर अगर पैटर्न याद नहीं किए हैं और आज ही क्लास का देख रहे हैं तो वो लोग भी देखें ठीक से। इसका एक पैटर्न होता है जो फॉलो करना होगा, वो याद कर लेना हम लोग को। अभी 4 क्वेश्चन करेंगे आज ही याद हो जाएगा, फिर चाहो ना आनंद, अमन, शिवम, अभिषेक, अभिजीत, फिर चाहो तो तुम लोग 12th का भी 2-4 क्वेश्चन देख सकते हो बना के, ऐसे इंटरेस्ट के लिए, मजा के लिए 2-4 क्वेश्चन बना के देख सकते हो, ठीक है। वैसे हम पढ़ाएंगे वहाँ पे आके, तो तुम लोग को हम समझा रहे हैं। अभी क्वेश्चन नंबर वन करेंगे, तो क्वेश्चन नंबर वन करेंगे, देखोगे ध्यान से बाबू। नाम क्या है तुम्हारा? खुशी, मुस्कान, निधि। तुम लोग देखो यहाँ पे बोला है कि इफ़ एफ एक्स इक्वल टू मॉडुलस ऑफ एक्स माइनस 3 फाइंड लिमिट ऑफ एफ एक्स व्हेन एक्स टेंड्स टू 3। क्या निकालना बाबू? लिमिट निकालना है, आराम से सीखेंगे हम, सिखा सकते हैं अच्छे से। लिमिट एफ एक्स एक्स टेंड्स टू 3 पे निकालना है अभिजीत, देख लो ठीक से। एकाध क्वेश्चन फिर से, लिमिट एफ एक्स एक्स टेंड्स टू 3 पे इस फंक्शन एफ एक्स का लिमिट निकालना है एक्स की टेंडेंसी जब 3 है, आराम से बनाएंगे। तो इसका मतलब किसी फंक्शन का किसी पॉइंट पर, किसी पॉइंट 3 पर लिमिट निकालने का मतलब होता है कि वी हैव टू फाइंड लेफ्ट हैंड लिमिट एंड राइट हैंड लिमिट। If left hand limit exists and right hand limit exists at that point and both are equal to each other and have finite value, नहीं समझ आया? ज़्यादा हो गया। अगर फिर से बोल दे रहे हैं, अगर लेफ्ट हैंड, अगर हम किसी पॉइंट x इक्वल 3 पर लिमिट निकाल रहे हैं, मतलब ये हुआ कि हमको निकालना है, वी हैव टू फाइंड लेफ्ट हैंड लिमिट एट x टेंस टू 3, वी हैव टू फाइंड राइट हैंड लिमिट एट दैट पॉइंट, है ना, और दोनों ही लिमिट एग्जिस्ट करना चाहिए। कौन लिमिट? लेफ्ट हैंड लिमिट एंड, तभी तो इक्वेट करोगे। एग्जिस्ट ही नहीं करना चाहिए, एग्जिस्ट करने के बाद दोनों लिमिट एक दूसरे के इक्वल होना चाहिए, क्योंकि तुम लोग अगर सारा क्लास किए होगे तो पता है तुमको कि कई बार क्या होता है कि लेफ्ट हैंड लिमिट एग्जिस्ट कर रहा है, राइट हैंड लिमिट एग्जिस्ट कर रहा है, बट बोथ आर नॉट इक्वल टू ईच अदर। In this case, we can say that limit does not exist at that point. कई बार क्या होता है कि लेफ्ट हैंड लिमिट एग्जिस्ट कर रहा है बट राइट हैंड लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, इस केस में भी दोनों आपस में इक्वल नहीं है। कई बार क्या होता है कि दूसरा वाला कर रहा है एग्जिस्ट, पहला वाला एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, यहाँ भी आपका इक्वल नहीं है।
और कई बार क्या होगा कि दोनों लिमिट एग्जिस्ट करता है, लेफ्ट हैंड लिमिट भी है, राइट हैंड लिमिट भी है, बट बोथ आर नॉट इक्वल टू ईच अदर। अच्छा, अगर हम बोलें कि बोथ आर नॉट इक्वल टू ईच अदर, इसका मतलब क्या है कि बोथ लिमिट का टेंडेंसी सेम पॉइंट पर नहीं है, मतलब दोनों ही लिमिट, लेफ्ट हैंड लिमिट लेफ्ट से, राइट हैंड लिमिट राइट से कॉमन पॉइंट को अप्रोच नहीं कर रहा है। जिन लोगों को मेरा ये अभी का स्टेटमेंट समझ में नहीं आ रहा है तो वो क्या करेंगे, पीछे का सारा क्लास स्टार्टिंग से देखेंगे। हो ही नहीं सकता कि मेरे मुंह से निकला हुआ सब तुम्हारे दिमाग, तुम्हारे कान के द्वारा ईयर ड्रम से होते हुए दिमाग तक प्रोसेस ना करें, समझ लो क्या। तो लेकिन मेरे मुंह से निकला हुआ प्रत्येक सब तुमको समझ में तब आएगा जब तुम मेरा सारा क्लास लाइन से करोगे। जितना हम वीडियो अपलोड कर रहे हैं उसको सबको देखना होगा तो तुम्हारे समझ में आ जाएगा। बोलेंगे ही ऐसे कि तुम्हारे समझ में आ जाए और तब तुम बनाना सीख जाओगे। तो बाबू क्या करना है, अब सिंपल वे में बोले, अगर सिंपल वे में बोले तो क्या बोलना होगा कि अगर हमको किसी पॉइंट पे लिमिट फाइंड करना है, ये सब तो भाषण जो दिए वो भाषण था कॉन्सेप्ट को समझने के लिए, और वो भाषण किस ऐसी हवा में नहीं बता रहे थे, वो भाषण के बारे में हम पूरा क्लास लिए हैं, बात किए हैं, बस रिकॉल करा रहे थे। जो भी भाषण दिए हैं वो भाषण रिकॉल करा रहे थे, पहले क्लास में बात किए हैं। लेकिन जब सवाल बनाने का बात आएगा तो वो भाषण काम नहीं आएगा, वो तो तुम्हारा बेस है, वो तो थ्योरी है, प्रैक्टिकली जब तक नहीं अचीव करोगे बना तो तब तक तुम्हारा काम होगा नहीं। तो प्रैक्टिकली तुमको स्ट्रांग होना पड़ेगा, उसके लिए करना होगा प्रैक्टिस। तो क्वेश्चन वन देखते हैं बना के, लिमिट एफ एक्स निकालना है मेरे को, कहाँ पर निकालना है बाबू, थ्री पर ना। तो एक बार क्या करेंगे, थ्री पर लेफ्ट में निकालेंगे, ठीक से ध्यान देखना और देखो सीखोगे। और एक बार कहाँ निकालेंगे, थ्री के राइट पर, थ्री के लेफ्ट का मतलब थ्री माइनस, थ्री के राइट का मतलब थ्री प्लस। जो लोग देखे होंगे लास्ट क्लास का वीडियो, और देखना चाहिए उनको, अगर नहीं देखे हैं तो पहले वहाँ देख के आइए, तो उनको जब जो भी हम बता रहे हैं उतना बोलने का जरूरत नहीं पड़ेगा, मुस्कान खुशी तुरंत बन जाएगा। लिमिट एफ एक्स एक्स चेंज टू थ्री माइनस, लिमिट एफ एक्स चेंज टू थ्री प्लस। हम बार बार कह रहे हैं कि इसको ठीक से देखो, ट्वेल्थ में बोर्ड के एग्जाम में ये मैटर करता है, डायरेक्टली मैटर करता है, डायरेक्टली। ट्रिगोमेट्री सब जो है वह तो इनडायरेक्टली मैटर करता है, केवल एक ही चैप्टर इनवर्स ट्रिगो है, ये डायरेक्टली मैटर करता है, सेम टू सेम डिटो लिखना पड़ता है ट्वेल्थ में ये वाला। ऐसा क्वेश्चन को लिमिट एफ एक्स एक्स टेंस टू थ्री माइनस के बाद क्या करना, ऐसे लिखना, लिखना सीखो एफ, पढ़ना लिखना सीखो वो मेहनत करने वालों। एफ एक्स यहाँ पे है, क्या लिखेगी निधि यहाँ पे, एफ ये थ्री माइनस है ना, बस यही सीखना है कि थ्री माइनस एच लिखना, बस और कुछ नहीं। और यहाँ पे जो h लिख दिए हो और तुम जानते हो कि h की टेंडेंसी क्या दोगे, जीरो, h इज इन्फिनिटेसिमल, नॉट इक्वल टू जीरो बट वेरी क्लोज टू जीरो एंड पॉजिटिव वैल्यू, इस बारे में बात किए ना हम लोग पहले, ठीक है। और इसको लिखोगे अभिजीत लिमिट f, चूँकि यहाँ पे x की टेंडेंसी थ्री पॉजिटिव है तो क्या लिखोगे, थ्री प्लस एच और h की टेंडेंसी जीरो, यह पैटर्न तुमको याद करना पड़ेगा, ठीक है। दैट इज इक्वल टू लिमिट h टेंस टू जीरो, अब देखना थ्री माइनस h, थ्री से कम या थ्री से ज़्यादा, दोनों पे आपका एफ एक्स तो क्या है, मॉड x माइनस थ्री। पीस वाइज फंक्शन यहाँ पे नहीं बनाया गया, सिर्फ मॉड में दे दिया गया है। मॉड का मतलब ये हुआ कि आप एफ एक्स इक्वल दिया है और कोई कंडीशन दिया नहीं गया है, तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे कि 3 माइनस एच का मतलब 3 से कम, तो 3 से कम पे यही वैल्यू लेंगे और 3 से ज़्यादा पे यही लेंगे। अगर यह वर्ड नहीं समझ पा रहे हो कि 3 से कम और 3 से मोर क्या बोल रहे हैं, तो दूसरा क्वेश्चन आते आते पहला वाला बात भी समझ जाओगे, तो पेशेंस रखना, दूसरा वाला आते आते पहला बात खुद समझ जाओगे। हाँ, लिमिट लिमिट एच टेंस टू जीरो, देखो क्या कर रहे हैं, ऊपर भी चल रहे हैं नीचे भी चल रहे हैं। एफ थ्री माइनस एच मॉड एक्स माइनस थ्री, एफ एक्स यहाँ पे एक्स के प्लेस पे है थ्री माइनस एच है ना, और यहाँ पे एक्स के प्लेस पे एक्स ही है। जब एफ एक्स में एक्स के प्लेस पे एक्स है तो वैल्यू है, आउटपुट है मॉड एक्स माइनस थ्री, यहाँ पे होगा मॉड एक्स माइनस थ्री, कोई दिक्कत किसी को। लेकिन ध्यान ये रखना है कि जब मॉड एक्स रख रहे हैं, यहाँ पे अंदर में ब्रैकेट के अंदर एक्स था तो यहाँ पे एक्स लिखे हैं, यहाँ ब्रैकेट के अंदर क्या है, थ्री माइनस एच है, तो क्या रखेंगे, थ्री माइनस एच, दिक्कत नहीं है ना। यहाँ पे भी लिमिट लिमिट के लिए लिमिट लिखें बाबू, एच टेंस टू जीरो के लिए एच टेंस टू जीरो लिखें, और एफ थ्री प्लस एच, एफ एक्स
एफ एक्स का वैल्यू है मॉड एक्स माइनस थ्री, मॉड एक्स माइनस थ्री, बट मॉड एक्स एक्स यहाँ पे क्या है, तो थ्री प्लस एच, किसी को तकलीफ है? तकलीफ नहीं है। तो यहाँ पे चूंकि लिमिट पूरे फंक्शन में है, इसलिए यहाँ पे कर्ली ब्रैकेट देना उचित रहेगा। अभी एलजेब्रा ऑफ लिमिट्स तो तुमको सिखाया ही नहीं है, एलजेब्रा ऑफ लिमिट्स नहीं लिखवाए ना, एलजेब्रा ऑफ लिमिट्स अगले क्लास में लिखवा देंगे नियम, क्योंकि जब लिमिट अगले क्लास में बात करेंगे उस पर हम लोग, देखते रहना लगातार क्लास करते रहो। दैट इम्प्लाई, चूंकि यहाँ पे जगह जो है नीचे तक घेर लिया ये, तो इसको थोड़ा सा स्लोप से हम लेके जाएंगे, जो अच्छा नहीं लगा देखने में, पर जगह नहीं है। लिमिट एच टेंस टू जीरो, अब अगर मॉडुलस हटाओगे तो अंदर क्या बचा, थ्री माइनस एच माइनस थ्री, थ्री थ्री कैंसिल, लिमिट एच टेंस टू जीरो माइनस एच, ठीक है, लिमिट एच टेंस टू जीरो माइनस एच, माइनस एच हो गया। अब एच की टेंडेंसी जीरो है तो इसमें पुट कर देंगे जीरो, लास्ट में एच की टेंडेंसी जीरो है अगर, तो एच के बराबर क्या पुट कर देंगे, जीरो पुट कर देंगे। क्यों पुट कर देंगे, इसके लिए पिछले क्लास का वीडियो अपलोडेड है, अपलोड कर दिया गया है पिछले क्लास का वीडियो, उसमें इस बारे में चर्चा किए हैं। अभिजीत कुमार कुछ क्वेश्चन कर दिया था कि हम नहीं समझे सर, वो बोला था कि सर हम नहीं समझ पाए हैं, तो उस पर हमको लंबा चौड़ा बात करना पड़ा था, समझा दिए हैं, उस पर बात करेंगे, समय जाएगा तुम्हारा, जीरो हो गया। वीडियो में आ रहा है ना, ठीक है, यहाँ पर आ रहा है, ठीक है। अभी देखिएगा, लिमिट एच टेंस टू जीरो मॉडुलस ऑफ थ्री प्लस एच माइनस थ्री, इसको प्रोसीड करोगी तो लिमिट एच टेंस टू जीरो, थ्री प्लस एच ब्रैकेट मॉड हटाओगी तो थ्री प्लस एच माइनस थ्री, थ्री थ्री कैंसिल, लिमिट एच टेंस टू जीरो एच, अभी लिमिट लगाएंगे तो एच की टेंडेंसी जीरो, जहाँ एच है वहाँ पे लास्ट में अंतिम में डायरेक्टली एच में जो वैल्यू जीरो है वो पुट कर देंगे। क्या देख रहे हैं, लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, देयरफॉर वी सी हियर कि लिमिट एफ एक्स एक्स टेंस टू थ्री माइनस इज इक्वल टू लिमिट एफ एक्स एक्स टेंस टू थ्री प्लस, है ना बाबू, देयरफॉर लिमिटिंग वैल्यू ऑफ द फंक्शन, यानी कि लिमिट एफ एक्स एक्स टेंस टू थ्री इज इक्वल टू जीरो, एग्जिस्ट एंड इक्वल टू जीरो, यह बोलना चाह रहे थे, मतलब कि अगर लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट है, देयरफॉर लिमिट एग्जिस्ट एट द पॉइंट एक्स इक्वल टू थ्री एंड लिमिट एफ एक्स एक्स टेंस टू थ्री इज इक्वल टू जीरो, निकल गया लिमिट ना, फर्स्ट वाले का लिमिट निकल गया। उम्मीद करते हैं कि सीख भी गए होगे, हिलो मत तुम, उम्मीद करते हैं सीख भी गए होगे, और इसको वीडियो को पॉज करके कॉपी कर लो, और कॉपी करने के बाद हम करेंगे क्वेश्चन नंबर टू। अगर कोई पॉइंट कम समझ में आया होगा वन में, तो वह टू में और स्पष्ट हो जाएगा, पॉज करके कॉपी कर लो। चलो अब क्वेश्चन नंबर टू करेंगे, क्वेश्चन नंबर टू, अब इसमें अब दिक्कत नहीं, अभी जितना बोलना था मेरे को क्वेश्चन नंबर वन के पहले बोलना था बोल चुके हैं, अब हम लोग क्वेश्चन नंबर टू करेंगे। 17 मिनट हो गया लगभग पहले ही क्वेश्चन से, लेकिन अब उसको हमको ये बताना था, ये बताएं, हम थोड़ा कंटिन्यूटी के बारे में बात किए हैं, और अब हम वन का कर ही लिया हम लोग, अब क्वेश्चन टू थ्री और फोर जल्दी जल्दी कर लेते हैं हम लोग और समझा देते हैं हम तुमको। देखो क्वेश्चन टू में क्या करना है, लिमिट निकालना है, यहाँ भी लिमिट कहाँ पर निकालना है, एक्स टेंस टू वन पर निकालना है, कहाँ पर निकालना है, एक्स टेंस टू वन पर। तो लिमिट एफ एक्स, ऊपर देखना, x टेंस टू वन माइनस, तुम देखो यहाँ पे लिमिट एफ एक्स एक्स टेंस टू वन माइनस, और क्या करना है यहाँ पे, लिमिट एफ एक्स टेंस टू वन प्लस, लेफ्ट हैंड लिमिट, और ये रहा राइट हैंड लिमिट। तो लेफ्ट हैंड लिमिट देखो यहाँ पे ऊपर एक बार, लिमिट f वन माइनस है ना, तो x के प्लेस पे लिखोगे वन माइनस एच, एच क्या है भाई, तो h की टेंडेंसी जीरो। लिमिट के लिए लिमिट लिखो, एफ एक्स जो है तो x के लिए लिखो वन प्लस एच, और h की टेंडेंसी क्या लिखोगे, जीरो, दैट इज इक्वल टू लिमिट, देखना ध्यान से, h टेंस टू जीरो, लिमिट के लिए लिखें लिमिट h टेंस टू जीरो, और ये वाला आराम से लिखेंगे देख देख के, f वन माइनस एच, ध्यान दो बच्चे, वन माइनस एच का मतलब वन में थोड़ा कम, वन माइनस एच का मतलब वन में थोड़ा कम, है ना, वन प्लस एच का मतलब वन में थोड़ा ज़्यादा, कितना कम, अ लिटिल, कितना ज़्यादा, अ लिटिल, अ लिटिल का मतलब यहाँ पे क्या है, ये हुआ h, ये हुआ कोई मान लीजिए पॉइंट a, और यहाँ पे वन बोला है तो वन बोल दे रहे हैं, क्वेश्चन नंबर यहाँ पे लिख के फिर मिटा देंगे, ये हुआ मान लीजिए वन, वन माइनस h का मतलब वन से जस्ट लेफ्ट, और वन प्लस h का मतलब वन से जस्ट, बहुत ही क्लोज, बहुत ही नियर h, हम इसके बारे में पहले क्लास में बात कर चुके हैं ना।
अच्छा वन माइनस एच वन से कम है कि नहीं है, रुको सुनो अभी मत लिखना, सुनो वन माइनस एच वन से कम है कि नहीं है, है तो यहाँ पे जो आउटपुट है बोला है एफ एक्स, एफ एक्स यहाँ पे क्या लिखे एफ एक्स, एक्स के प्लेस पे वन माइनस एच, जाहिर सी बात है कि यहाँ जो एक्स है वही यहाँ पे क्या है वन माइनस एच है, वही लिखना हम लोग को। लेकिन यह लेकिन यहाँ पे एफ एक्स पीस वाइज फंक्शन है, पीस पीस में दिया हुआ है, दो पीस में दिया हुआ है, वन से लेफ्ट में कुछ और, वन से राइट में कुछ और, ठीक है ना, वन से लेफ्ट में कुछ और, वन से राइट में कुछ और दिया गया है, तो इसको बोलते हैं कौन सा फंक्शन, पीस वाइज फंक्शन, ठीक है क्या। एक मिनट के लिए हम वीडियो को पॉज करके चेक कर लेते हैं यहाँ पे लिमिट का, यहाँ जो दोनों में लिखा हुआ ग्रेटर देन वो हम चेक कर लेते हैं। जरा जो क्वेश्चन लिखवाए हैं तुम लोगों को, हेलो बच्चे वो क्वेश्चन देखो, तो यहाँ पे दोनों में लिखा है इक्वल कि किसी एक में लिखा है इक्वल, जल्दी से यह क्वेश्चन नंबर टू देख लीजिए आप लोग, वहाँ नहीं मिलेगा पीछे मिलेगा, एग्जाम्पल का क्वेश्चन होगा ये, हाँ नीचे में नहीं है, चलो यहाँ पे ये क्वेश्चन मिस्टेक था। हेलो बच्चे सुनो, यहाँ पे नीचे में नहीं है ना, वो नहीं है ना नीचे में, देख लिए है ना, हाँ यहाँ पे नीचे में नहीं है, ठीक है, हाँ ये मेरे को यहाँ पर लगा कि यहाँ पे नहीं होना चाहिए। अच्छा फिर अब ये क्यों लगा, कई बार क्या होता है कि इक्वल टू वन पुट करने पे अगर दोनों बराबर हो जाता तो चलता, अगर इक्वल टू वन पुट करने पे दोनों क्या होता वैल्यू आउटपुट बराबर होता तो इक्वल टू चलता है, इसलिए पूछना पड़ा कि देख लो इक्वल दिया कि नहीं दिया है। हाँ यहाँ पे तो नहीं होता, वन स्क्वायर वन माइनस वन कितना हो जाएगा जीरो, और यहाँ पुट करोगे तो माइनस वन स्क्वायर माइनस वन मतलब माइनस टू हो जाएगा, तो इसलिए यहाँ पे ये ब्रेक कर जाता, गलती था। तो मेरे को चेक ये करना था कि ऊपर से मिटाया हुआ है कि नीचे से, एक में तो नहीं होना था, ठीक है ना। तो चलिए ये क्वेश्चन डाउट था सही कर लिया, अभी अभी सही है क्वेश्चन। तो लिमिट एफ एक्स एक्स टेंस टू वन प्लस निकाल रहे हैं, यहाँ तक पहुँच गए हैं। अब हम बात कर रहे थे बाबू, रुको मत लिखो ना, रुको ना लिखो मत, लिमिट एफ वन माइनस एच निकालना है और लिमिट एफ वन प्लस एच, दोनों ही में एच की टेंडेंसी जीरो है, लिमिट के लिए लिमिट, एच टेंस टू जीरो के लिए उतार दिए, लिमिट के लिए लिमिट, एच टेंस जीरो के लिए उतार दिए, एफ वन माइनस एच यहाँ लिखना होगा, एफ वन प्लस एच यहाँ लिखना होगा, वन माइनस एच का मतलब वन से थोड़ा कम, क्वेश्चन टू चेक करो, वन से कम, एक्स जब लेस देन वन है इक्वल टू वन पे भी, बट यहाँ पे मेरे को वन माइनस एच का वैल्यू, तो एक्स जब लेस देन वन है तो आपका फंक्शन ये काम करना है ना, तो ये काम करना है, तो यहाँ पे है क्या एक्स स्क्वायर माइनस वन, एक्स क्या यहाँ जो वैल्यू है एक्स, तो यहाँ पे एक्स के मतलब में क्या है, तो इसका मतलब कि वन माइनस एच का होल स्क्वायर माइनस वन लिखने आया, एफ एक्स का मतलब एक्स स्क्वायर माइनस वन, एक्स स्क्वायर माइनस वन, लिमिट पूरे में लगेगा, अगले क्लास में एलजेब्रा ऑफ लिमिट पे बात करेंगे, जब लिमिट लगा रहे हैं और जितने टर्म्स हैं जितने फंक्शन हैं अंदर प्लस हो या माइनस या इनटू सब में बारी बारी से लिमिट लग जाता है, इस पे चर्चा हम कल करेंगे। हो सकता है मेरे मुँह से निकला हुआ यह सब तुम नहीं समझ पा रहे हो कि क्या बोल रहे हैं, बारी बारी से सब में लग जाता है, तो अगले क्लास में चर्चा करेंगे इस पर, अभी तो बस तुम ऑब्जर्व करके ही क्वेश्चन कर लोगे। यहाँ देखना और यहाँ पे क्या लिखेंगे, यहाँ लिमिट के लिए लिमिट, h टेंस जीरो के लिए सेम, f वन प्लस एच के लिए वन से बड़ा, x जब बड़ा हो वन से, when x इज ग्रेटर देन वन देन एफ एक्स का वैल्यू ये वाला यूज करेंगे, नीचे वाला करेंगे, तो यहाँ पे है लिखा बाबू माइनस एक्स स्क्वायर माइनस और एक्स पे स्क्वायर, एक्स के प्लेस पे यहाँ क्या है वैल्यू वन प्लस एच, तो वन प्लस एच का होल स्क्वायर और फिर माइनस वन, किसी को कोई तकलीफ है, अब ऊपर का काम खत्म, अब क्या करना है सिर्फ मेरे को सिंप्लीफाई कर देना है। सिंप्लीफाई करने के लिए मुस्कान लिमिट लिखेगी, एच टेंस टू जीरो लिखेगी, ए माइनस बी का होल स्क्वायर होता है वन माइनस टू ए बी, तो टू एच और प्लस एच स्क्वायर और माइनस वन, ये भी लिख दो, ये वन और ये वन कैंसिल हो गया। अब लास्ट में एच जो बचा उस एच में डायरेक्टली हम एच की टेंडेंसी जीरो यानी एच इक्वल जीरो पुट करते हैं, पिछले क्लास में भी बात किए होंगे क्यों पुट करते हैं, अगर नीचे में h होता कुछ ऐसा होता माइनस टू एच प्लस एच स्क्वायर बटा एच ऐसा होता, तब नहीं बोल सकते हो कि आप इसमें h लगा h की बदले में जीरो नहीं पुट कर देंगे। लिसन मी, अनंत कुमार, अमन कुमार, अभिजीत, सब लोग, अभिषेक, शिवम, सब देख रहे हो ना, अगर ये माइनस टू एच प्लस एच स्क्वायर है तो हम कह रहे हैं कि डायरेक्टली h की टेंडेंसी जीरो होने की वजह से डायरेक्टली h जीरो पुट कर दो, लेकिन यहाँ पे ये ना हो कि ये होता तो डायरेक्टली पुट करते तो यह बन जाता जीरो बाई जीरो, समझ रहे हो, इस पे हम बात करेंगे अभी, इन डिटरमिनेट फॉर्म पे हम बात
करेंगे बाद में, अभी अगले क्लास में या अगले क्लास में, क्योंकि अगले क्लास में हमको थोड़ा सा लिमिट का एलजेब्रा के बारे में बात करना होगा और उसमें शायद मौका मिल जाएगा उस पर बात करने का। तो नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे, या अभी और भी क्वेश्चन करना है वो भी करेंगे, जैसा होगा वैसा करेंगे। बस रेगुलर तुम लोग वीडियो क्लास करते रहना है। माइनस टू एच प्लस एच स्क्वायर बटा एच हो, अगर यहाँ पे डायरेक्टली जीरो पुट करोगे विजिट तो जीरो बाई जीरो हो जाएगा, तब आप एच की टेंडेंसी जीरो नहीं पुट कर सकते हैं, एच इक्वल टू जीरो नहीं पुट कर सकते, एच इक्वल टू जीरो नहीं पुट कर सकते हैं। एच टेंस टू जीरो होने के बावजूद भी एच इक्वल टू जीरो पुट नहीं कर सकते, क्योंकि सच्चाई तो ये है कि एच इज नॉट इक्वल टू जीरो। तो एच जीरो नहीं है तो डिनोमिनेटर जीरो नहीं कर सकते, समझे क्या? तो उसके लिए क्या है तरीका, पहले ऊपर से h कॉमन लेना पड़ेगा, h कट करना पड़ेगा, अब जो फ्री हो गया अब इस h को जीरो पुट कर देना होगा। ये तरीका है, आगे का क्वेश्चन करेंगे तो और समझ में आ जाएगा। अभी बस मान लो जो बोल रहे हैं कि ऐसे ही करते हैं, फिर हम सबका बता देंगे कि सब में कैसे कैसे क्या करना है। तो फिलहाल ये मेरे को ध्यान में आया है देख के कि अगर नीचे में h होता तब तुम नहीं पुट कर सकते, जीरो बाई जीरो फॉर्म अगर होगा तो हम लोगों को कुछ कॉमन लेना होगा या फैक्टराइज करना होगा, उस पर हम लोग चर्चा करेंगे बाद में। तो कैंसिल करना पड़ता है, अभी एच की टेंडेंसी जीरो पुट करेंगे तो माइनस टू इंटू जीरो और प्लस जीरो का स्क्वायर दैट इज इक्वल टू क्या बाबू, जीरो आ गया। सेम हेयर यहाँ पे आगे बढ़े, प्रोसीड करते हैं, लिमिट एच टेंस टू जीरो, माइनस बाहर में है अंदर में वन प्लस टू एच स्क्वायर है, तो यहाँ पे टू वन प्लस एच का होल स्क्वायर है, तो ए स्क्वायर प्लस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर, वन स्क्वायर वन, टू ए बी टू इंटू वन इंटू एच टू एच और प्लस एच स्क्वायर माइनस वन इज इक्वल टू माइनस वन माइनस टू एच माइनस एच स्क्वायर, माइनस जो है अंदर ब्रैकेट को ब्रेक किए सब में माइनस लग गया, माइनस वन इज इक्वल टू लिमिट एच टेंस टू जीरो, माइनस वन माइनस वन माइनस टू माइनस टू एच माइनस एच स्क्वायर, लिमिट लगा दीजिए। अब लिमिट लगाइएगा, अब h की टेंडेंसी जीरो का मतलब कि जहाँ जहाँ h है वहाँ वहाँ जीरो पुट कर दीजिए। तो पुट करने पे क्या बचेगा, सिर्फ माइनस टू माइनस टू माइनस टू इंटू जीरो माइनस जीरो का स्क्वायर, सब खत्म, सिर्फ क्या बचेगा। ध्यान रहे जैसे ही लिमिट लगाओगे, यह लिमिट और h टेंस जीरो जो लिखते आ रहे हो वो नहीं लिखोगे, समझ आ रहा है। जैसे ही h पुट करोगे यहाँ पे जीरो, वैसे ही ये वाला टर्म खत्म हो जाएगा, क्योंकि ये बता ही रहा था कि आप लिमिट लगाइए एच टेंस जीरो, ठीक है ना। तो ये हो गया दूसरा क्वेश्चन, क्या देख रहे हो विशी, हम देख रहे हैं कि हम देखते हैं कि लिमिट एफ एक्स एक्स टेंस टू वन माइनस इज नॉट इक्वल टू लिमिट एफ एक्स एक्स टेंस टू वन प्लस, क्या भाई वन माइनस जो लिमिट है वह कितना आ गया है, देखो तो जीरो आ गया है, और वन प्लस जो लिमिट है वो कितना आ गया है माइनस टू, मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, एंड देयर फोर वी कैन राइट लिमिट एफ एक्स x टेंस टू वन डज नॉट एग्जिस्ट, क्योंकि लिमिट किसी पॉइंट x इक्वल टू वन पे तभी एग्जिस्ट करता है जब लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू, इतना ही नहीं और वह लेफ्ट हैंड और राइट हैंड जो लिमिट इक्वल आया वह फाइनाइट वैल्यू होना चाहिए, क्योंकि कई बार ऐसा भी होगा कि लेफ्ट हैंड लिमिट भी आ गया प्लस इन्फिनिटी और राइट हैंड लिमिट भी आ गया प्लस इन्फिनिटी, तब भी नहीं बोल सकते हो कि लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू दैट, इन उस केस में भी बोलोगे कि लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट, क्योंकि लिमिट का वैल्यू जो आया है वह फाइनाइट होना चाहिए, फाइनाइट होना चाहिए। तो इसको जरा कॉपी कर लो, उम्मीद करते हैं समझ गया होगे, वीडियो को पॉज करके कॉपी कर लो बच्चे, उसके बाद हम क्वेश्चन नंबर थ्री और फोर पर चर्चा करेंगे। हाँ तो क्वेश्चन नंबर थ्री देखो, क्वेश्चन थ्री दिख रहा तुम लोगों को क्या, क्वेश्चन नंबर थ्री में लिखा हुआ है लेट एफ एक्स इक्वल टू मॉड एक्स बाई एक्स, है ना, लेट एफ एक्स इक्वल टू मॉड एक्स बाई एक्स, ध्यान देना। तो थर्ड हम बनाएंगे, थोड़ा ध्यान देखना, दो तरीके से बनाएंगे हम, ध्यान देना। एफ एक्स इक्वल जो दिया हुआ है, लिमिट कहाँ पर निकालना है, क्वेश्चन तो यहाँ पर दिया हुआ है ही, लिमिट निकालना है एक्स टेंस टू जीरो पे। तो देखो यहाँ पे लिमिट एफ एक्स एक्स टेंस टू जीरो माइनस पे निकालेंगे, और कहाँ निकालेंगे, लिमिट एफ एक्स एक्स टेंस टू जीरो प्लस पे निकालेंगे, यही करते हैं हम लोग। वन और टू क्वेश्चन देख के आइडिया हो ही गया कि थ्री में क्या करना है, बना भी सकते हो चाहो तो वीडियो को पॉज करके और फिर मैच कर लेना यहाँ पे। तो अभी देखना जीरो माइनस का मतलब क्या, जैसे बोले कि पैटर्न याद कर लो, ये और ये लिखना है हम लोगों को, फिर यहाँ पे क्या लिखना है लिमिट एफ जीरो माइनस के लिए लिखोगे जीरो माइनस एच, एच की टेंडेंसी, लिमिट एफ एक्स यहाँ पे है और जीरो प्लस बाबू, तो लिखोगी जीरो प्लस एच, ठीक है ना, और एच की टेंडेंसी
इज इक्वल टू लिमिट एच टेंस टू जीरो लिमिट, देख रहे हो कैसे लिख रहे हैं हम, मतलब आंख बंद करके, क्या आंख बंद करके यहां तक लिखना है। अब सच में ऐसे आंख मत बंद कर लेना, यहां तक तुमको फ्लुएंटली लिखना है, इसके बाद थोड़ा संभल संभल के लिखना है। एफ जीरो माइनस एच का मतलब जीरो से थोड़ा कम, जीरो से थोड़ा लेस, लेस देन जीरो, लेस देन जीरो पे क्या, यहाँ देखो तो एक बार लिखा है एक्स इज नॉट इक्वल जीरो, क्या लिखा है एक्स इज नॉट इक्वल जीरो, एक बार लिखा है एक्स इक्वल जीरो। बाबू अगर समझोगी तो एक्स इक्वल जीरो का मतलब जीरो पे, और एक्स नॉट इक्वल जीरो का मतलब जीरो से लेस भी हो जाएगा और जीरो से मोर भी हो जाएगा। एक्स इज नॉट इक्वल जीरो का मतलब जीरो से कम भी हो जीरो से ज़्यादा, दोनों चलेगा, यानी कि दोनों के लिए आप यही वाला यूज करेंगे। दोनों मीन्स कॉल लेफ्ट हैंड के लिए, यहाँ जीरो माइनस एच के लिए और जीरो प्लस एच दोनों के लिए, क्योंकि जीरो में माइनस एच का मतलब जीरो नहीं है बराबर, जीरो माइनस एच का मतलब जीरो में थोड़ा सा कम, कितना एकदम थोड़ा सा इनफिनिटेसिमल, जीरो में थोड़ा सा कम, क्या जीरो के बराबर है मैथमेटिकली तो नहीं है बराबर, जीरो में थोड़ा सा ज़्यादा, क्या जीरो के बराबर है मैथमेटिकली बराबर नहीं है। दैनिक जीवन में बोल सकते हैं चलिए भाई 100 रुपया का है 99 रुपये दे दिए काम चल गया, कोई सामान खरीदने गए तो दैनिक जीवन में काम चल जाएगा, मैथमेटिकली वो राइट नहीं है। तो जीरो में थोड़ा कम, लेकिन ये तय हो गया कि जीरो में थोड़ा सा कम, थोड़ा सा लेस देन जीरो से थोड़ा लेस, जीरो से थोड़ा लेस का मतलब एक्स इज नॉट इक्वल जीरो एंड जीरो से थोड़ा ज़्यादा का मतलब एक्स इज नॉट इक्वल जीरो, दोनों ही केस में हम ये वाला फंक्शन यूज करेंगे। तो ऊपर देखना खत्म होगा तुरंत, जीरो माइनस एच मतलब ये वाला क्या है वहाँ पे मॉडुलस ऑफ एक्स है ना, एक्स के बदले में यहाँ पे क्या है जीरो माइनस एच, अभी लिख दे रहे हैं जीरो माइनस एच, बाद में तुम इसको सिर्फ माइनस एच लिखना सीख लोगी। हाँ जीरो माइनस एच का मतलब क्या माइनस एच, मॉड के अंदर, मॉड अंदर में, मॉड के अंदर जो लिखे हैं जीरो माइनस एच, कोई चाहे तो ये लिखे, बाद में जो होना होगा सो होगा, पॉजिटिव निगेटिव जो होता है बाद में होगा, समझ रहे हो ना, अभी लिख रहे स्टार्टिंग अभी सिखा रहे ना। बाई क्या डिवाइड बाई एक्स, एक्स का मतलब बाबू बाद में सिर्फ माइनस एच लिखोगे ऐसे, ठीक है ना, अभी भी लिख सकती हो, रोक नहीं है कोई। लिमिट एच टेंस टू जीरो मॉडुलस ऑफ माइनस एच का मतलब प्लस एच हो गया, या एक आध लाइन और कर ले तो ऐसे, ठीक है, दैट इज इक्वल टू लिमिट एच टेंस टू जीरो मॉडुलस ऑफ माइनस एच का मतलब पॉजिटिव, दैट बाई माइनस एच कैंसिल हो गया, क्या आएगा लिमिट एच टेंस टू जीरो, कोई यहाँ पे जीरो जीरो ना पुट कर दे, बताएं क्या लिखे हम, पढ़ो पढ़ो एक बार, इन डिटर्मिनेट फॉर्म, जीरो बाय जीरो फॉर्म आ जाएगा, समझे क्या। तो ये हम लोग यहाँ पे जीरो पुट नहीं करेंगे, इस पर चर्चा करेंगे, अगर कम समझ में आ रहा है ये बात चर्चा करेंगे, टेंशन नहीं लेना है। एच बाई एच कट के क्या आ जाएगा माइनस वन, माइनस वन, अब तुम इस फंक्शन जो बच गया माइनस वन उसमें एच की टेंडेंसी जीरो पुट करना है, मतलब एच इक्वल जीरो पुट करना है, जहाँ जहाँ एच आया है वहाँ वहाँ क्या पुट करना है जीरो पुट करना है। तो माइनस वन तो एच से फ्री है, इंडिपेंडेंट है, तो क्या करेंगे पुट नहीं कर पाएंगे, तो क्या लिखेंगे सिर्फ माइनस वन, अगर होता माइनस वन प्लस एच तो लिखते माइनस वन प्लस जीरो, ठीक है ना, ये समझ गया, ये हो गया लेफ्ट हैंड लिमिट। राइट हैंड लिमिट निकालेंगे तो राइट हैंड लिमिट के लिए क्या होगा वो देखोगे कि रुक जाना, देखते रहना ये वाला, देखते रहना, लिमिट जीरो प्लस एच पे भी यही जाएगा, क्योंकि जीरो प्लस एच भी इज नॉट इक्वल टू जीरो, तो यही जाएगा मॉड एक्स, तो मॉड एक्स में जीरो प्लस एच डिवाइड बाई एक्स है वहाँ पे एक्स, तो यहाँ पे एक्स का मतलब जीरो प्लस एच, दैट इज इक्वल टू लिमिट एच टेंस टू जीरो, जीरो प्लस एच का मतलब सिर्फ मॉड एच डिवाइड बाई एच इक्वल टू लिमिट एच टेंस टू जीरो एच बाई एच, कट के चल जाएगा वन टाइम में है ना, तो लिमिट एच टेंस टू जीरो वन, लगा दो लिमिट की एच की टेंडेंसी जीरो, लगाओ लिमिट एच की टेंडेंसी, एच की टेंडेंसी जीरो, लिमिट लगाओ, जो हम वर्ड यूज कर रहे हैं इसका मतलब कि अगर जो फंक्शन में कहीं पे एच दिखाई दे रहा है अब तो क्या करना है उसको जीरो बनाना है, कहीं है ही नहीं, क्या बचा सिर्फ वन बचा, क्या देख रही हो लेफ्ट हैंड लिमिट जो आया है यहाँ पे आया है माइनस वन और राइट हैंड लिमिट क्या आया है प्लस वन, दैट मीन्स कि लेफ्ट हैंड लिमिट इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, तो लिखेंगे देयरफॉर लिमिट एफ एक्स एक्स टेंस टू जीरो माइनस इज नॉट इक्वल टू लिमिट एफ एक्स
x टेंड्स टू जीरो प्लस देयरफोर लिमिट एफ एक्स एक्स टेंड्स टू जीरो डज नॉट एग्जिस्ट। इसका मतलब क्या हुआ कि लिमिट जो है x की टेंडेंसी जीरो पे, या यूं कहें कि लिमिट इस फंक्शन में x इज इक्वल टू जीरो पे लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रहा है। अगर पहले का सारा क्लास की हो, वीडियो देखी हो, इसका ग्राफ बनाओगी तो समझ में आ जाएगा क्यों नहीं कर रहा है। यहाँ पर तो हम लोग कर लिए थियोरेटिकली कि लेफ्ट हैंड लिमिट इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, ग्राफिकली भी कर सकती हो, ये हो गया थियोरेटिकली। ग्राफिकली कैसे होगा कि अगर तुम इसका ग्राफ बनाओ, और पीछे एक क्लास में ग्राफ ही सिखाए थे, लिमिट सिखाना ही शुरू किए थे ग्राफ से, कि ग्राफ से कैसे कैसे, याद करो फर्स्ट क्लास का वीडियो, फर्स्ट क्लास जो पढ़ाए थे, सबसे पहले ग्राफ पे बताए थे कि लिमिट क्या होता है, कैसे करता है एग्जिस्ट, कैसे नहीं करता एग्जिस्ट। तो अभी हो गया थियोरेटिकली, एग्जाम में तुमको करना है थियोरेटिकली, ग्राफिकली नहीं करना है, थियोरेटिकली करना है ट्वेल्थ के एग्जाम में। अभी एलेवेंथ का ये सब सीख लो सब लोग, ट्वेल्थ में फिर करना होगा तुम लोगों को यही चीज़। तो यहाँ पे देख रहे हो क्या कि लेफ्ट हैंड लिमिट इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, देयरफॉर लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट एट द पॉइंट एक्स इज इक्वल टू जीरो। यहाँ पे चेक करना था कहाँ पे, एक्स टेंस टू जीरो पे, मतलब एक्स इक्वल टू जीरो पे लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रहा है। तो ये वाला थ्री हो गया। अब जो लोग यूट्यूब पे देख रहे हैं वो लोग क्या करेंगे, इसको वीडियो को पॉज करके कॉपी करेंगे, वेट तुम लोग रुक जाओ, जो लोग यूट्यूब पे देख रहे हैं वीडियो को पॉज करके कॉपी करेंगे, और कॉपी करने के बाद हम आखिरी क्वेश्चन करेंगे आज का, सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन, सीधा संबंधित है किससे, ट्वेल्थ से, ट्वेल्थ का जो चैप्टर है कंटिन्यूटी ऑन लिमिट्स, उस पे बात करेंगे। पॉज कीजिएगा, तो चलो तुम लोग अब तक इसको लिख लिए होगे, अभी तुम लोग क्या करो कि देखो ऊपर हम बोर्ड को क्वेश्चन यहाँ सब जो है था सोल्यूशन सब इरेज कर दिए हैं, बोर्ड पे सिर्फ क्वेश्चन तीन और क्वेश्चन चार को साफ से लिख दिए हैं, क्वेश्चन तीन और चार, सोचोगे तीन तो बना दिए क्यों लिखें, अभी बात किए थे हम लोग कुछ देर पहले कि तीन को अल्टरनेटिव मेथड से बनाना है, चार को फिर बना देंगे, पहले तीन को उसके अल्टरनेटिव से हम कर लेते हैं, फिर चार को बना देंगे। देखोगे थ्री को, एक तो तरीका तुम थ्री को कैसे बनाए, थ्री में तुम मॉडुलस में पुट किए, मॉडुलस में तुम ही अंदर में ही एच पुट कर लिए, एक बार निकाले एफ एक्स एक्स टेंस टू जीरो माइनस, एक बार निकाले एफ एक्स एक्स टेंस टू जीरो प्लस पे। इसको क्या करें हम लोग, पहले फंक्शन को सिंप्लीफाई करके और तब लिमिट लगा सकते हैं। देखोगे यहाँ पे अल्टरनेटिव थ्री का, इसके पहले जो बनाया अभी वीडियो को पॉज करने के पहले, वो एक तरीका था, एक तरीका ये है कि लेट एफ एक्स इक्वल टू, हम उतार दिए क्वेश्चन को, देखोगे मॉड एक्स बाई एक्स व्हेन एक्स इज नॉट इक्वल टू जीरो एंड जीरो व्हेन एक्स इक्वल टू जीरो। पहले इस फंक्शन को ही जरा सिंप्लीफाई कर दें, फंक्शन को सिंप्लीफाई करने के पहले बाबू तुमको पता है एक चीज़ कि मॉड एक्स इज इक्वल टू माइनस एक्स व्हेन एक्स लेस देन जीरो, जीरो व्हेन एक्स इज इक्वल जीरो एंड प्लस एक्स व्हेन एक्स ग्रेटर देन जीरो, ठीक है क्या, ये बात तुमको पता है। तो हम लोग उस हिसाब से इसको लिख सकते हैं क्या, मॉडुलस एक्स को हम लिख सकते हैं माइनस एक्स डिवाइड बाय नीचे में एक्स है, कब एक्स इज नॉट इक्वल जीरो तो है ही, यानी कि एक्स लेस देन जीरो और एक्स ग्रेटर देन जीरो दोनों पे ये काम करेगा ही, लेकिन जब मॉड एक्स को लिखे माइनस एक्स, ऐसा कब होगा जब एक्स निगेटिव होगा, और जीरो पे तो है ही व्हेन एक्स जीरो एफ एक्स इक्वल जीरो, और लास्ट है व्हेन मॉड एक्स इक्वल टू प्लस एक्स डिवाइड बाई एक्स, कब जब व्हेन एक्स इज ग्रेटर देन जीरो, देख लिया ना, दैट इज इक्वल टू क्या ये फंक्शन हो जाएगा, एक्स बाई एक्स माइनस वन हुआ यहाँ पे व्हेन एक्स लेस देन जीरो, जीरो व्हेन एक्स इक्वल टू जीरो एंड वन व्हेन एक्स ग्रेटर देन जीरो। देख लिए तीन बार देख लिए, क्या किए इसके पहले जो बनाए थ्री को उसमें हम लोग सीधा एक्स की जगह पे ए जीरो माइनस एच और जीरो प्लस एच क्रमशः पुट किए हैं, इस बार हम क्या किए फंक्शन को पहले सिंप्लीफाई कर दिए हैं। ये राइट में अलग चीज़ है, ये इस क्वेश्चन का पार्ट नहीं है, ये मॉड एक्स के बारे में तुम पहले से जानते ही हो। तो अब देखो क्या हो रहा है, अब हम लिमिट निकालेंगे, तो अब इस फंक्शन का लिमिट निकालने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे हम लिमिट एफ एक्स एक्स टेंस टू जीरो पे निकालना, एक्स टेंस टू जीरो पे निकालना, देखिए यहाँ पे तो जीरो माइनस को लिखेंगे, यहाँ पे क्या निकालना है लिमिट एफ एक्स एक्स टेंस टू जीरो प्लस इज इक्वल टू लिमिट, यहाँ पे हो जाता है एफ जीरो माइनस के लिए लिखते हैं हम लोग जीरो माइनस एच, यहाँ पे होगा एच टेंस टू जीरो, लिमिट एफ
जीरो प्लस एच, देखिए यहाँ पे जीरो प्लस है ना, जीरो प्लस के लिए क्या लिखते हैं, जीरो प्लस एच, एच टेंस टू जीरो, कोई दिक्कत नहीं किसी को। दैट इज इक्वल टू लिमिट एच टेंस टू जीरो, दैट इज इक्वल टू लिमिट एच टेंस टू जीरो। और अब एफ जीरो माइनस एच का मतलब हुआ बाबू जीरो से थोड़ा कम, जीरो से थोड़ा कम मतलब लेस देन जीरो, लेस देन जीरो पे इस फंक्शन एफ एक्स का, एफ एक्स का वैल्यू है माइनस वन, लेस देन जीरो पे, व्हेन एक्स इज लेस देन जीरो फंक्शन का वैल्यू माइनस वन, तो एफ जीरो माइनस एच आउटपुट क्या होगा। जीरो माइनस एच कोई भी नंबर हो, जीरो माइनस एच उसके लिए एफ एक्स का वैल्यू है माइनस वन, यानी कि यह तो एच से फ्री हो गया, इसमें कहीं एच है ही नहीं। और यहाँ पे जीरो प्लस एच का मतलब क्या हो गया, जीरो प्लस एच का मतलब जीरो से थोड़ा ज़्यादा, और जीरो से थोड़ा ज़्यादा का मतलब ग्रेटर देन जीरो, व्हेन एक्स इज ग्रेटर देन जीरो, एफ एक्स, एक्स एक्स के प्लेस पे यहाँ पे है जीरो प्लस एच, व्हेन एक्स इज ग्रेटर देन जीरो एफ एक्स इज इक्वल टू वन, एफ एक्स इज इक्वल टू वन व्हेन एक्स इज ग्रेटर देन जीरो, जीरो प्लस एच का मतलब जीरो से थोड़ा ज़्यादा, और जब जीरो से थोड़ा ज़्यादा रहेगा अंदर का एक्स तो एफ एक्स इक्वल टू, एफ एक्स इक्वल टू वन, यह भी वन, यह भी एक्स से फ्री हो गया, एच से फ्री, और एच से फ्री हो गया चूँकि अभी यहाँ एक्स जो है हमारा बदल गया था जीरो प्लस एच में, एच से फ्री है, इसमें कहीं भी एच नहीं है, कहीं भी एच नहीं है। अब तुम लिमिट लगा दो, अब जब जैसे ही तुम इस फंक्शन माइनस वन में लिमिट लगाओगे एच की टेंडेंसी जीरो, एच की टेंडेंसी जीरो का मतलब तुम समझ ही रहे हो कि अगर फंक्शन में कहीं एच आ रहा है वहाँ पे एच को रिप्लेस करते हैं जीरो से, ध्यान रखते हुए बता चुके हैं कहीं एच बाई एच रहे तो जीरो नहीं पुट करना है, इनडिटर्मिनेट फॉर्म हो जाएगा वो, उसको हम लोग पहले कैंसिल आउट करते हैं ऊपर और नीचे, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में कॉमन फैक्टर को कैंसिल करने के बाद ही हम एच की टेंडेंसी जीरो लगाते हैं। यहाँ पे लगा सकते हैं माइनस वन है सिर्फ, बचेगा माइनस वन, लिमिट लगा दिए इसलिए अब लिमिट और एच की टेंडेंसी जीरो यहाँ पे नहीं लिखना है। लिमिट लगाएंगे, जैसे ही लगाएंगे एच की टेंडेंसी दिए गए फंक्शन में पुट करेंगे तब लिमिट और एच टेंस जीरो नहीं लिखना है, सिर्फ आया वन। हम देख रहे हैं क्या कि लेफ्ट हैंड लिमिट इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, इसके नीचे लिख सकते हैं देयरफॉर, यहाँ पे लिख दे रहे हैं देयरफॉर लिमिट एफ एक्स x tends to 0 minus is not equal to limit fx x tends to 0 plus. Therefore, limiting value of the function fx as x tends to 0, जो यहाँ पे पूछा गया था find this, क्या करें find, does not exist. Exist नहीं कर रहा है बाबू, क्यों नहीं कर रहा है, क्योंकि यहाँ पे भी left hand limit is not equal to right hand limit. तो उम्मीद है कि ऑल्टरनेटिव मेथड जो है क्वेश्चन नंबर 3 का वो तुम समझ गए होगे, इसको भी कॉपी कर लोगे वीडियो को पॉज करके। सबसे सुंदर क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 4 आज के क्लास का सबसे सुंदर क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 4 करेंगे, सीधा 12th से संबंधित है। वीडियो को पॉज करोगे और पॉज करने के बाद तुम इसको कॉपी कर लोगे, फिर बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 4 पे। तो अब हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 यहाँ पे हम सॉल्यूशन करेंगे। चार यहाँ पे लिखा हुआ है, क्वेश्चन 4 लिखा है लिमिट एफ एक्स इज इक्वल टू ए प्लस बी एक्स व्हेन एक्स इज लेस देन 1, और एक्स इक्वल टू 1 व्हेन एफ एक्स इक्वल टू 4, एंड एक्स जब बड़ा है 1 से तो एफ एक्स इक्वल टू बी माइनस एक्स। साथ ही में दिया हुआ है कि लिमिट एफ एक्स एक्स टेंस टू 1 इक्वल टू एफ 1, फाइंड द वैल्यू ऑफ ए एंड बी। यह क्वेश्चन सीधा संबंधित है 12th से, किस प्रकार से, अगर यह क्वेश्चन 12th का होता बाबू तो देखो ध्यान से, बस ये वाला जो बात है ना वो लिखा नहीं होता, इसके बदले में लिखता कि फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट एक्स इज इक्वल टू 1। और अगर तुम 12th में होते, तुम अगर 12th में जाओगे तो तुम पाओगे क्या कि वहाँ पर लिखा हुआ रहेगा ये बात कि फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट एक्स इक्वल टू 1, और उसका मतलब ही हो जाएगा कि लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इज इक्वल टू एफ वन। अगर किसी पॉइंट ए पर बात करें तो लिमिट एफ एक्स एक्स टेंस टू ए इज इक्वल टू एफ है, तो फंक्शन एफ एक्स एक्स इक्वल टू ए पे कंटिन्यूअस है, वो हम 12th में बात करेंगे। फिलहाल ये देख रहे हैं कि लिमिट एफ एक्स एक्स टेंस टू 1 एफ वन के बराबर है, तो इसका मतलब कि लिमिट एग्जिस्ट कर रहा है 1 पे। अगर कोई लिमिट एफ वन के बराबर है और एफ वन पुट करके देख लो, व्हेन एक्स इक्वल टू 1 एफ एक्स इक्वल टू 4, तो एफ वन का वैल्यू क्या होगा, 4, एक्स इक्वल टू 1 पुट करो, एक्स के प्लेस पे 1 पुट करोगे और एक्स इक्वल टू 1 पे एफ एक्स 4 है, यानी एफ वन का वैल्यू क्या, 4। अगर एफ वन का वैल्यू 4 है इससे क्या निष्कर्ष निकलता है सोचो, अगर एफ वन का वैल्यू है 4 इससे निष्कर्ष क्या निकलता है कि यह लिमिट एफ एक्स एक्स टेंस टू 1 का वैल्यू 4 है,
इसका मतलब यह हुआ कि यह लिमिट एग्जिस्ट कर रहा है, तभी तो वैल्यू 4 है। अगर एग्जिस्ट ही नहीं करता तो वैल्यू 4 कहाँ से आता। अगर कोई ये कह रहा है कि यह लिमिट f1 के बराबर है और f1 तुम देख लिया कि 4 के बराबर है, दैट मीन्स fx लिमिट वैल्यू ऑफ एफ एक्स एक्स टेंस टू वन पे यह वैल्यू 4 है, इसका मतलब यह एग्जिस्ट कर रहा है। और यह तभी एग्जिस्ट कर सकता है लिमिट किसी पॉइंट एक्स टेंस टू वन पे जब लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट हो। यह दिया गया है, समझ गए, यह दिया गया है, अंडरस्टूड है ये। चलिए सबसे पहले निकालेंगे लिमिट एफ एक्स एक्स टेंस टू वन माइनस वन पे निकालेंगे माइनस, और क्या निकालेंगे लिमिट एफ एक्स एक्स टेंस टू वन प्लस निकाल लेंगे। यह अब तुम प्रैक्टिस कर चुके हो, लिमिट एफ वन माइनस एच एच टेंस टू जीरो, लिमिट एफ वन प्लस एच एच टेंस टू जीरो, ठीक है ना। वन प्लस के लिए वन प्लस एच, वन माइनस के लिए वन माइनस एच, दैट इज इक्वल टू लिमिट एच टेंस टू जीरो इज इक्वल टू लिमिट एच टेंस टू जीरो। एफ वन माइनस एच का मतलब वन से थोड़ा कम, एक्स का जो वैल्यू है एक्स के प्लेस पे जहाँ जो लिखे हैं, यहाँ एक्स है और एक्स के प्लेस पे यहाँ पे है वन माइनस एच। वन माइनस एच का मतलब एक्स का वैल्यू वन से थोड़ा कम है यहाँ पे, वन माइनस एच वन से कम लेस देन वन पे ये आपका आउटपुट लिखा जाएगा ए प्लस बी एक्स, ए प्लस बी एक्स। लेकिन एक्स के प्लेस पे एक्स के प्लेस पे एक्स के प्लेस पे यहाँ पे क्या है वन माइनस एच, वन माइनस एच। एलजेब्रा ऑफ लिमिट्स आगे पढ़ेंगे, यहाँ पे पूरे में कर्ली ब्रैकेट लगाएंगे क्योंकि लिमिट हर एक टर्म में होगा, लिमिट हर एक टर्म में होगा, ये बात एलजेब्रा ऑफ लिमिट में सिखाएंगे। यहाँ पे लिमिट एच टेंस टू जीरो एफ वन प्लस एच है, वन प्लस एच का मतलब कि जो अंदर एक्स है एक्स का वैल्यू वन से थोड़ा ज़्यादा, वन से थोड़ा ज़्यादा मीन्स ग्रेटर देन वन, और वेन एक्स इज ग्रेटर देन वन एफ एक्स इक्वल टू बी माइनस ए एक्स लिखेंगे यहाँ पे, बी माइनस ए एक्स। एक्स का मतलब यहाँ पे है वन प्लस एच, वन प्लस एच। सिंप्लीफाई नाउ, यू कैन सिंप्लीफाई ओनली, चाहो तो वीडियो को पॉज करके भी सिंप्लीफाई कर सकते हो। यहाँ देखोगे ए प्लस बी वन जब बी माइनस बी इंटू एच बी एच, और यहाँ पे हो गया लिमिट एच टेंस टू जीरो बी माइनस ए वन जा ए माइनस इंटू प्लस माइनस ए इंटू एच। ये ब्रैकेट छोटा वाला भी चलेगा इज इक्वल टू, अब लिमिट लगा दीजिए, अब इस फंक्शन में लिमिट लगा दीजिए एच की टेंडेंस जीरो का मतलब हो गया जहाँ एच है वहाँ पे जीरो पुट कर दें, तो पुट कीजिएगा तो आएगा ए प्लस बी माइनस बी इंटू जीरो ख़त्म। यहाँ पे पुट कीजिएगा बी माइनस ए माइनस ए इंटू एच, ये जीरो हो जाएगा, ये बचा। और एफ वन भी निकालना पड़ेगा, एफ वन भी निकालना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पे एफ वन का ज़रूरत है, वेन एक्स इक्वल टू वन एफ एक्स इक्वल टू फोर जो कि फोर है। अब बोला है सिंस इट इज गिवेन दैट, सिंस इट इज गिवेन दैट लिमिट एफ एक्स एक्स टेंस टू वन इक्वल टू एफ वन, इसका मतलब क्या है। इसका मतलब है कि यह लिमिट एग्जिस्ट कर रहा है, और इसका मतलब क्या है, लिमिट एग्जिस्ट कब करता है वन पर, जब वन पर लेफ्ट हैंड साइड लेफ्ट हैंड लिमिट वन पर ही राइट हैंड लिमिट के बराबर हो। दैट इम्प्लाइज लिख सकते हैं ना लिमिट एफ एक्स एक्स टेंस टू वन माइनस लिमिट एफ एक्स एक्स टेंस टू वन प्लस इक्वल टू एफ वन, सेम इसको लिख सकते हैं ना लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इक्वल टू एफ वन। तो अब क्या होगा, लेफ्ट हैंड लिमिट क्या है, लेफ्ट हैंड लिमिट यहीं पे कर देते हैं नीचे में, लेफ्ट हैंड लिमिट क्या है वन माइनस यहाँ निकाले हैं कितना ए प्लस बी ए प्लस बी ए प्लस बी, और राइट हैंड लिमिट ये निकाले राइट हैंड लिमिट कितना आया है बी माइनस ए। अब तुम सोचोगे कि ए प्लस बी बी माइनस ए के बराबर कैसे है, प्लस है यहाँ माइनस है, हो सकता है पॉसिबल, आने दो वैल्यू को, ए और बी का वैल्यू आएगा मालूम चल जाएगा नंबर से, हो सकता है पॉसिबल। कोई मत सोचना कि यहाँ प्लस है दो नंबर का प्लस और उसी दो नंबर के बीच का डिफरेंस के बराबर कैसे होगा, हो सकता है यदि एक नंबर जीरो हो तो, ऐसा एक कंडीशन ये भी हो सकता है ना ऐसा, खैर उसका मत सोचो। दिया ही गया है कि लिमिट बराबर एफ वन के मतलब तय हो गया कि लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, और कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है, नहीं तो लिमिट एग्जिस्ट ही नहीं करता, और कर रहा है तो बराबर है, लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट के बराबर है, और यहाँ पर लेफ्ट हैंड लिमिट ये आया है राइट हैंड ये आया है तो बराबर है बस। तो a प्लस बी इक्वल टू बी माइनस ए इक्वल टू एफ वन का वैल्यू 4। अब यहाँ से तुम दो इक्वेशन फाइंड आउट कर लोगे, पहला इक्वेशन बना यहाँ से क्या कि a प्लस बी जो है वो 4 के इक्वल है,
ए प्लस बी इक्वल टू फोर, इक्वेशन नंबर वन। दूसरा आया क्या कि बी माइनस ए फोर के बराबर है, लिखोगे क्या बी माइनस ए, यहीं नीचे में लिख रहे हैं और हम जरा देख लेंगे वीडियो में भी कि वीडियो में यहाँ पर दिख रहा है कि नहीं। देखो तो बाबू दिख रहा है क्या तुम लोगों को, बी माइनस ए इक्वल टू फोर, यह वीडियो में आ रहा है क्या, देखिए बी माइनस ए प्लस बी इक्वल टू फोर और बी माइनस ए, यहाँ से ए प्लस बी इक्वल टू फोर और दूसरा इक्वेशन बी माइनस ए इक्वल टू फोर, वीडियो में आ रहा है ना। ठीक है, तो यहाँ पे वन और टू इक्वेशन देख लिए हम लोग। तो अब वन और टू इक्वेशन को सिंप्लीफाई करके तुम निकाल सकते हो ए और बी का वैल्यू, साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। देखोगे यहाँ पे ए प्लस बी इक्वल टू फोर और यहाँ पे है बी माइनस ए, जिसको लिख सकते हो माइनस ए प्लस बी, बी माइनस ए को लिख सकते हो माइनस ए प्लस बी इक्वल टू फोर। अभी इसको ऐड कर दोगे, आता है तुम लोगों को करने ये, तो प्लस और माइनस कैंसिल, प्लस प्लस टू बी इक्वल टू फोर फोर एट, दैट इम्प्लाइज बी इक्वल टू फोर, एट बाई टू फोर। अब बी इक्वल टू फोर पुट कर दो किसी भी एक इक्वेशन में, मान लेते हैं ए प्लस बी, तो पुटिंग बी इक्वल टू फोर इन इक्वेशन वन, किसी में पुट कर दो, तो यहाँ पे ए प्लस बी यहाँ पे आ रहा, देखो तो ए प्लस बी इक्वल टू फोर, दैट इम्प्लाइज अगर तुम पुट कर दो ए के जगह पे ए और बी के प्लेस पे फोर पुट कर दो बराबर फोर, नीचे लिखेंगे तो आएगा क्या, ठीक है सभी जानते हो ए प्लस फोर बराबर फोर, तो ये फोर गया राइट में, यहाँ दिख रहा है ना, तो फोर गया राइट में, तो फोर माइनस फोर क्या जीरो, दैट इम्प्लाइज ए इक्वल टू क्या, ए इक्वल टू क्या जीरो, ये दिख रहा है नहीं दिख रहा है, ठीक है ए इक्वल जीरो। तो यहाँ पे हम इसको फिर से लिख दे रहे हैं, आप लोग देख लीजिएगा पुटिंग द वैल्यू ऑफ बी, तो हम लोग क्या किए हैं ए प्लस बी इक्वल टू फोर था, ए प्लस बी फोर, दैट इम्प्लाइज ए के, ए का मतलब है हम बोल दे रहे हैं और बी का मतलब क्या फोर ना, फोर इक्वल टू फोर, दैट इम्प्लाइज ए इक्वल टू जीरो। देख लो ये साफ साफ क्लियर आ रहा है वीडियो में, यस नो, ठीक है ए इक्वल जीरो आ रहा है ना, ए इक्वल जीरो। तो फाइनली क्या हो गया इन दिस केस, हम लोग निकाल चुके क्या ए इक्वल जीरो एंड बी इक्वल टू फोर, हमारा वैल्यू आ गया जो यहाँ पूछा गया था, फाइंड द वैल्यूज ऑफ ए एंड बी। तो देखे क्या हुआ, ये अच्छा क्वेश्चन था, हम बता दें फिर से एक बार कि व्हेन लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, ये वाला व्हेन लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू व्हेन लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इक्वल टू एफ वन एट वन, देन वी कैन से दैट फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट एक्स इज इक्वल टू वन। और यह टॉपिक हमको ट्वेल्थ के कंटिन्यूटी ऑन लिमिट से पढ़ना है, तो बिना वो पढ़े भी हम ये काम कर सकते थे। यहाँ पे तुमको फंक्शन कंटिन्यूअस नहीं दिया था, कंटिन्यूअस होने के लिए जो कंडीशन होता है वही दिया गया था, क्यों, क्योंकि तुमको अभी कंटिन्यूअस का कंडीशन पता नहीं है, तो कंडीशन ही देख के तुमसे सवाल बनवा लिया गया। ए और बी महत्वपूर्ण क्वेश्चन था, आज के चार क्वेश्चन में सबसे अच्छा क्वेश्चन है ये, उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा। वन समझाएं, टू समझाएं, थ्री को दो मेथड से बता दिए, मॉडल्स के साथ कैसे करते हैं डायरेक्टली और उसको सिंप्लीफाई कर कैसे करते हैं। एक बार हम बोर्ड के स्क्रीन से हम हट जा रहे हैं, तुम वीडियो को पॉज करके इसको नोट कर लो, और नोट करने के बाद नोट कर ली होगे तो आज हम इतना ही करेंगे और आगे क्लास में फिर अगला क्वेश्चन करेंगे। तो लगातार देखना, अगर तुम लिमिट का मेरा देख रहे हो, अगर लिमिट का तुम सारा सोल्यूशन देख रहे हो, मेरा कॉन्सेप्ट जो पढ़ा है वो देख रहे हो, तो यकीन करो रेगुलर देखोगे तो तुम समझ पाओगे, रेगुलर देखोगे लिमिट पूरा कंप्लीट करवा देंगे। तो इसके बाद तुमको ट्वेल्थ के कंटिन्यूटी ऑन लिमिट्स और पूरा कैलकुलस से फ़ायदा होगा। ट्वेल्थ के बोर्ड के एग्जाम में लगभग 45 मार्क्स का वेटेज है इसका, तो इसलिए ये लिमिट चैप्टर बहुत जरूरी हो जाता है। तो जो बच्चे अभी ट्वेल्थ में हैं और लिमिट इलेवेंथ में नहीं पढ़ पाए थे पिछले साल कोरोना कारण, वो भी देखते रहें, और जो इलेवेंथ में है उनको देखना तो है ही। इस बार लिमिट से 4 मार्क्स का 2021 में नवंबर दिसंबर के फर्स्ट टर्म के एग्जाम में आ भी रहा है, तो देखते रहेंगे रेगुलर। मिलते हैं फिर ऑन सेम टाइम ऑन सेम चैनल, पैकअप सेम।